सबको क्लैपिंग रोकने के लिए किसने कहा आप क्लैपिंग कर सकते हैं। एंड आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा विश्व विजय फेडारू सर। कम ऑन, नमस्कार। मैं हर्षवर्धन जैन राजस्थान की तरफ से पूरे महाराष्ट्र का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं? पहली बार स्वागत है इनका, जोरदार तालियों से। आप लोग तो झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन बेचारे नए आदमी की पीड़ा को तो पहचानो। वो इतना कंफ्यूज है कि हो क्या गया, तुम्हें मिल क्या गया। चलिए तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से नए व्यक्ति की समझ से शुरू होती है बात। दोस्तों मेरा नाम हर्षवर्धन जैन है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। इस मैनेजमेंट के साथ मैं पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे आपने भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई एक वजह बनी होगी, कोई एक कारण बना होगा, वैसे मेरे सामने भी आज से कई वर्ष पहले एक व्यक्ति मेरे पास ये बिजनेस लेके आए और उन्होंने मुझे आकर बोला 25 मिनट मेरी बात सुन जिंदगी बदल दूंगा। तो मैंने देखा 25 साल में तो बदली नहीं, कि भाई साहब ऑफर दे रहे हैं तो अपन बदलवा ही लेते हैं। उन्होंने 30 मिनट बात बोली पूरी, 30 मिनट में प्लान दिखाया। शुरू के 10 मिनट में तो मैं बहुत खुश था, मैं कह रहा था वाह वाह और दिखाओ, बहुत मजा आ गया। बीच के 10 मिनट में मैं चौंक रहा था, ओ ऐसे भी हो सकता है क्या। और लास्ट के 10 मिनट में अंदर से बहुत जबरदस्त आवाजें आ रही थी, महा झूठ, उल्लू बनाने को मैं मिला क्या, सुबह से कोई दूसरा मिला ही नहीं क्या, ऐसे बेवकूफ बनाने से धंधे थोड़ी चलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं आज भी अपने आप से पूछता हूँ कि उस दिन हर्षवर्धन तूने जो बात बोली थी क्या सही थी क्या। तो आज भी दिल के एक कोने में आवाज आती है, सच्चा हिंदुस्तानी का ही तो फर्ज निभाया था, कुछ गलत थोड़ी किया था, कुछ गलत थोड़ी किया था। अरे हमारे बुजुर्गों ने यही तो सिखाया है बेटा, जब भी कोई चीज नई नई आए और पहली पहली बार आए तुरंत हाँ मत कर देना, फंस जाएगा, खल जाएगा, उलझ जाएगा। तो सच्चा हिंदुस्तानी का फर्ज निभाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन ने वही निभाया और वही हुआ जो हर सच्चे हिंदुस्तानी के साथ होता है। एक रात नींद नहीं आई, दो रात नींद नहीं आई, तीन रात नींद नहीं आई, क्योंकि अपन ने तो मना कर दिया था, लेकिन मन में विश्वास ये हो रहा था कि नींद का कारण वो आदमी नहीं है जो मुझे प्लान दिखा के गया है। 5 दिन में नेगेटिविटी के महान समुद्र में गोते खा रहा था, 48 ऐसे बड़े प्रश्न लिख चुका था जिसकी वजह से मैं ये धंधा नहीं करूंगा, और 48 में कई तो यूं ही थे नंबर बढ़ाने के लिए, कंपनी भाग गई तो नहीं भागी, चेक नहीं आए तो चेक आ गया, नहीं सीख रहा तो प्रोडक्ट नहीं आए तो प्रोडक्ट नहीं दिए तो रिजल्ट नहीं आए तो, और कुछ तो ऐसे भी थे जैसे काले रंग की भैंस हरे रंग का चारा खाती तो सफेद रंग का कैसे देखिए, ऐसे भांति भांति के कर करके मैंने 48 करके टॉप सिंह बन के घूम रहा था, आओ कोई मुझे जोड़ के दिखाओ। लेकिन दो चीजें हैं प्रकृति में, नियम है। पहला, जब आप खूब नेगेटिविटी में गोते खा रहे होते हो तो कोई एक पॉजिटिव विचार आके आपको चौंकाता है, और जब आप महान पॉजिटिविटी में आते हो तब भी बीच बीच में कीड़ा कांडी होती है, बीच बीच में नेगेटिव आता है, ये नियम है दोनों के साथ। तो एक पॉजिटिव विचार क्या आया, अरे तूने इस बिजनेस को मना तो कर दिया लेकिन यही नहीं पता किस चीज को मना किया है, ना जानता है कंपनी कौन, प्रमोटर कौन, प्रोफाइल कौन, प्रोडक्ट कौन, प्लान कौन, पे आउट कौन, कुछ भी नहीं जानता और बिना जाने मना कर दिया। कम से कम जानने के बाद तो मना करता। मैंने कहा चलो जानना शुरू करते हैं। 5 पी चेक किया, 25,000 खर्च हुआ। भारत के आदमी का जब पैसा खर्च होता है ना थोड़ा,
तो ऐसे दिल करता है, अच्छा अच्छा आप अपने घर में देखा करो, जब पत्नी बीमार हो जाती है तो अपन कहते हैं कि ये अदरक की फांकी ले लो या अजवाइन ले लो ये ले लो। नहीं, जब तक पैसा खर्च नहीं करोगे आप तब तक वो ठीक ही नहीं होती। और जैसे ही दवाई दिला के ले आए तो चाहे दवाई ली नहीं हो, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, सब ठीक होता है कि नहीं होता। तो भारत के आदमी का जब तक पैसा नहीं लगता ना तब तक कुछ मजा ही नहीं आता। 20-25 हजार चेक करने में लग गया तब समझा, अरे बाप रे, इसमें तो 25 लाख लगाऊंगा तो भी पूरा चेक नहीं कर पाऊंगा, इतने बड़े चीज को कैसे चेक कर पाऊंगा। फाइनली मैंने चेक किया, कुछ लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, थोड़े लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन देश के 1 करोड़ लोगों को और 8 राज्यों की पुलिस और अदालतों को पिछले 18 साल से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। फिर शुरू किया और शुरू करने के बाद जो हुआ वो दास्तान तो इतनी गहरी है। राणा सांगा बन गया था मैं, राणा सांगा को जानते हैं? 80 घाव लग गए थे जिसके चारों तरफ। जैसे ही लोगों से मिलना चालू किया और समझ में आया ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, बाप रे, ओहो। एक आदमी ने मुझसे पता है क्या पूछा, उस दिन तो छोड़ने ही वाला था मैं, सर क्या बिजनेस है, मजा आ गया। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा जुड़ गया है। मैंने कहा वाह 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 बहुत अच्छा, क्या अच्छा लगा? सर इसमें तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो सब लोग जुड़ जाएंगे, लोग अच्छा बिजनेस है, इसमें तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ले साइन कर फिर यहाँ पे जुड़। कि नहीं नहीं एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? जो लास्ट लास्ट में जुड़ेगा, जो नीचे नीचे जुड़ेगा वो किसको जुड़ेगा? तो मैंने सबसे पहले तो उसको दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा वाह बापू तो जबरदस्त है, तेरे को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करवाएंगे हम। तो मैं उसका आंसर तो नहीं दे पाया, लेकिन मैंने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। तो उसने बोला पूछो। मैंने कहा अपन आए दुनिया में, हाँ, तो वापस भी जाएंगे, हाँ, तो तू ये बता जो लास्ट लास्ट में मरेगा, जो आखिरी आखिर में मरेगा उसको जलाएगा कौन? ना तो वो अंतिम व्यक्ति मिला जिसको कोई दफनाने वाला और जलाने वाला मिला नहीं, और ना वो आदमी आज तक दुनिया में आया जिसको कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए मिला नहीं। जब तक दुनिया में बच्चे जन्मेंगे तब तक लोग इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। दास्तान लोगों से सीखते सीखते समझ में आ गई ये बिजनेस करना दुनिया का सबसे महान रोमांचक काम है। क्यों? इंसानों को समझाओ और मेंढकों को तोलो, दोनों बराबर हैं। आपको 2 किलो मेंढक चाहिए, आपने 12 रखे, 3 कम पड़ गए तो 3 को धक्के बाहर आ गए। ना मेंढक तुले ना इंसान समझे, तो फिर मैंने ये समझ गया यही बिजनेस करेंगे और इंसानों को ही समझाने का काम करेंगे। इंसानों को समझाते समझाते आज इतने वर्षों में आज गजब संयोग बन गया संकेत सर की मेहरबानी से। मुझे तो पता ही नहीं था आज मुंबई में ड्यूटी, थैंक यू सर, मुझे तो पता ही नहीं था आज मुंबई में ड्यूटी है। मैं तो एशियन पेंट्स की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है उसके मैनेजर्स की ट्रेनिंग थी, वहां आया था और अचानक सर ने बोला सर 8:30 बजे के बाद तो बीओपी है। मैंने कहा मैं आज तक मुंबई में कभी बीओपी में नहीं आया, आज आता हूँ चल के, क्योंकि यहाँ की बीओपी की तारीफ बहुत सुन रहा है, कुछ देर कुछ मिनट्स मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। दोस्तों मैंने इस बिजनेस से जिंदगी में जो 2-4 बातें सीखी मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप मुझ में अपना चेहरा देख सको। अगर मैं यहां से वहां तक की यात्रा करते हुए आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो। पहली चीज, इस दुनिया में जो इंसान अपने गिरेबान में झांक के देख लेवे, जो इंसान अपने थर्मामीटर देख लेवे, जो इंसान अपना मूल्यांकन करने के लिए तैयार है, ये बिजनेस में वो 3 साल में करोड़पति बनेगा दुनिया की। लेकिन अपना मूल्यांकन करने के लिए तैयार नहीं है,
वो राहुल गांधी से लेके मोदी से लेके ओबामा का बजट बना सकता है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। इस बिजनेस की आपको जरूरत है कि नहीं है, पहला एक्सरसाइज घर जाके आज आपको जो करनी चाहिए, एक टेबल ले उस पे 15 महान लोगों के फोटोग्राफ रखो, राम कृष्ण बुद्ध महावीर जीसस क्राइस्ट से लेके मोहम्मद पैगंबर से लेके नानक से लेके अमिताभ बच्चन ऋतिक से लेके रणवीर कपूर से लेके और कोई नया आ गया तो मुझे पता नहीं, ऐसे 15 रख लो, 15। एक फोटो आपकी भी रखो, कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को बुला के पूछो, बेटा तू इनमें से बड़ा होके किसकी तरह बनना चाहता है? वो 15 में से किधर भी उंगली कर देगा, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं नहीं बताऊंगा, मैं दुश्मनी क्यों ले हूं, मुझे जेब में वापस जाना है। अरे खुद की गिरेबान में झांको भैया, सरकारों का बजट बना रहे हो, खुद का बिजली का बिल 6 महीने से जमा नहीं हो रहा, खुद के गिरेबान में झांको। क्या जगत की तरफ देख रहे हो, अरे खुद की तरफ करो, खुद की तरफ मूल्यांकन करो। जिसको जीवन में खुद की तरफ प्रॉब्लम पता चल गई, वो जगत के सारे सॉल्यूशन कर देता है। खुद का मूल्यांकन करो ना, कितने पानी में हो। या तो प्राइवेट नौकरी करोगे या सरकारी नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे या किसी प्रोफेशन में जाओगे, इसके अलावा कोई बिड़ला जी के रिश्तेदार थोड़ी बैठे यहाँ पर, यही तो करोगे ना। इनके हालात जाकर देखो तो सही, पिछले 50 साल का डेटा सर्वे उठा के तो देखो इनके हालात कैसे हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक गरम, 10 से 20 तक नरम, 20 से 30 तक बेशरम, 5 से मेरे आ गए। मूल्यांकन तो करो, खुद की गिरेबान में झांके बिना बाहर की तरफ कमियां ही कमियां नजर आएगी, और खुद की तरफ अंतर्दृष्टि होती जीवन बदलने लग जाएगा। जिसको प्रॉब्लम पता चल जाएगी वो जीवन बदल लेगा, जिसको प्रॉब्लम ही पता नहीं है वो चोट कहां करेगा, रिजल्ट कहां आएगा। बल्ब वहां जलाना है और बल्ब के पीछे पड़ा हुआ है स्विच, यहां पर है स्विच, यहां दबा वहां बल्ब जलेगा, एग्जैक्ट जगह चोट कर। शेर के और कुत्ते के दोनों के लाठी मारो, रिजल्ट क्या आएगा मैं बताता हूं। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, उसको पता ही नहीं है समस्या किधर से आ रही है। और शेर के लाठी मार के दिखाओ, उसको लाठी से मतलब ही नहीं है, किधर से प्रॉब्लम आ रही है, कार्यक्रम समाप्त कर दिया। शेर ने कुत्ते में यही तो करते, शेर ने खुद का मूल्यांकन किया है, कुत्ते को खबर ही नहीं है जिंदगी कहां जा रही है, हड्डी को खाता रहता है, खून आता रहता है और समझता रहता है खून हड्डी में से आ रहा है और दांतों में से आता रहता है। दुनिया के 95% लोगों को होश ही नहीं है कि गरीब क्यों है। अरे गरीब की वजह पता नहीं चलेगी तो रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक क्या करोगे। गरीबी की वजह जो है वो उस पर चोट करना पड़ेगा। एक आदमी था, उसकी अजीब बीमारी हो गई। क्या बीमारी हुई? शरीर पे जिधर भी अंगुली लगाए उधर ही दर्द। ये बीमारी अजीब बीमारी, तो पास में बंगाली डॉक्टर के पास, सबके पास पाया जाता है ना बंगाली डॉक्टर, तो सबसे पहले उसके पास गया, उसने सब जगह चेक कर लिया, उसको आम नहीं समझ में आया, वहां से उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। ये कौन सी बीमारी है, नहीं समझ में आया, दिल्ली एम्स भेज दिया, खोल के चेक कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई, ये कौन सी बीमारी है यार ये। वापस गांव भेज दिया, गांव में एक आदमी सज्जन मिले, वेद जी ने जब देखा तो पता चला अंगुली में दर्द था। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रॉब्लम इधर है और जिंदगी भर सुइयां इधर उधर लगवाता रहे, कोई इलाज हो सकता है क्या? दुनिया भारत के 84 करोड़ लोग गरीब क्यों हैं, कभी खबर तो ले हो। अपन 90 साल रगड़ रहे, बापू रगड़ रहा, दादा रगड़ रहा, पीढ़ियां रगड़ रही है, रे कब तक रगड़ोगे, प्रॉब्लम पता तो करो। प्रॉब्लम इधर है, yes. इधर, और इधर का इलाज अपन जानते नहीं, क्यों? हम गर्दन के नीचे वाले हिस्से से ही कमाते हैं और जितना कमाया वो इसी को दे दिया, तेरा तुझको अर्पण, रोटी इसको, समोसा इसको, कचोरी इसको, वड़ा पाव इसको, और क्या क्या चलता है आपके, भेलपूरी इसको, इसका इसको ही दिया तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, थोड़ा इसको देना सीखो। इन सब लोगों ने, आगे बैठे हुए लीडर्स ने इस हिस्से को दिया तो जीवन बदल गया। अपना मूल्यांकन करो, अपना मूल्यांकन।
परिणाम इधर है। एक ही घटना रिजल्ट अलग अलग देती है। आपको क्या लगता है ये बिजनेस जो जबरदस्त तरीके से दिखाया गया ये सब राजी हो जाएंगे क्या? अगर ये सारे राजी हो गए, जगत राजी हो गया, तो ये बसे कौन चलाएगा? आप गए बाल कटाने, भैया आप बाल काट दो, कहते नहीं कल ही बंद कर दी, क्यों? आई एम अ डायमंड। आप गए सब्जी लेने, भैया सब्जी दे दे, वो कहा नो कल ही क्लोज कर, क्यों? आई एम आईटीसी। अरे जगत अपने नियमों से चलता है, सारी दुनिया एक जैसी नहीं सोचती, डिफरेंट डिफरेंट सोच है। वस्तु एक, रिजल्ट अलग अलग। नेगेटिव सोच नेगेटिव जिंदगी, पॉजिटिव सोच पॉजिटिव लाइफ और पॉजिटिव बैंक बैलेंस। जिंदगी वैसी जैसी सोच। जब डीजे बजता है ना, डीजे अपन शादी में जाते हैं तो कुछ लोग तो कहते हैं और बजा मजा आ गया, कुछ कहते रहो बंद कर रहा माता में। अब मैं आपसे पूछता हूं प्रॉब्लम डीजे में है भारत से पूछा इतने सालों से लग रहे हो तुम विकसित क्यों नहीं हो पाए, कारण कौन? ये जनसंख्या ने मरवा दिया, ये जनसंख्या हमारी, ये बेकार है। चाइना से पूछा तुम इतने आगे कैसे निकल गए, दुनिया से 25 साल आगे कैसे निकल गए, कारण कौन? जनसंख्या। ये जनसंख्या ने हमें जितना सपोर्ट किया उतना दुनिया में किसी ने नहीं, तो प्रॉब्लम जनसंख्या में है क्या? खोपड़े में। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ाने वाला एक टीचर, 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन, 30 बच्चे सेकंड डिवीजन, 2-4 थर्ड डिवीजन, एक आध फेल हो गया, एक आध मेरिट आ गया। इंटरव्यू लिया मेरिट वाले से, आप मेरिट आए, कारण कौन? ये मास्टर जी, ये गुरु जी, इनकी वजह से ही मैं मेरिट आया। और फेल वाले से पूछा आप फेल कैसे हो? यो साड़ो मास्टर, इसका माता खोलूंगा, इसने फेल किया है मेरे को, इसने फेल किया है। प्रॉब्लम मास्टर जी में थी क्या? शादी से सगाई के बीच का टाइम पीरियड याद है किसी को? याद है? मिलते हैं अपने अपने उम्र पे, अपने अपने तरीके थे, कई लेटर चलते थे, फिर सेंट्रल पार्क आया, फिर फेसबुक व्हाट्सएप, अब तो बच्चे भी फेसबुक से हो रहे हैं, तो लेकिन अपना अपना वक्त याद करो। सेंट्रल पार्क में मिलना, और जो लड़का कभी जिंदगी में कविता नहीं बोला हो, जैसे ही लड़की की जुल्फे गिरी तो कविता निकली, तेरी जुल्फों की छाओं में जीवन गुजार दूं। अच्छा पाप कमाने कोई बात नहीं, फिर जुल्फे गिरी, तेरी जुल्फों की छाओ में जीवन गुजार दूं। और फाइनली एक दिन शादी हो गई, कविताएं लिख ली, जीवन आगे बढ़ा, और एक दिन खाना खाते टाइम दाल में बाल आ गया, तो ये बोला रहे सुरभंखा तेरे बालों का ये कूड़े को संभाल नहीं सकती क्या, तू दाल में भी बाल घुसेती है, होश नहीं है क्या? पता है कौन सा बाल? तेरी जुल्फों की छाओ में। तो प्रॉब्लम बाल में है। एक बापू था, बापू चार बेटे थे, तो एक मेहमान आया मिलने, और सर आपके बेटे क्या करते हैं? एक को तो डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को एडवोकेट बना दिया, और रुक गया। तो मेहमान ने बोला ये चौथा वाला ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं जानता है, अगर आपने ही बनाया तो चौथे को भी बना देते, बना तो आप ही रहते ना। जिंदगी में ध्यान रखना, असली प्रॉब्लम पता अगर चल गई तो आपको पता चलेगा जीवन का सारा निर्माण आपकी पॉजिटिव सोच से होता है, और जीवन का सारा विध्वंस आपकी नेगेटिव सोच से होता है। ये बिजनेस भी जब देखते हैं तो सब राजी नहीं होते, कुछ कहते हैं वाह मार्केट के धंधे खत्म, नौकरियों के हालात नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दे दी, अब क्या चाहिए, ये धंधा मैं करूंगा, कुछ तो ऐसा सोचेंगे। yes. कुछ बोलेंगे अरे हमने दुनिया देखी है, हम जानते हैं इनको, उल्लू बनाते हैं, तो हम पूछते अच्छा आपने दुनिया देखी है? हाँ। पासपोर्ट है? नहीं। तुम्हारे बापू ने क्या देखा है? क्या देखा है फिर? जिनका रोम रोम नेगेटिविटी से भरा हुआ है, एक दिन बच्चे भी उनके साथ पता है क्या होता है जो नेगेटिव सोच से भरे होते हैं, जवाई ले जाएंगे बेटी, बहू ले जाएगी पूत, अपन रहेंगे ऊत के ऊत। नहीं पकड़ना है, कल तक आएगा, कल तक आएगा।
रोम रोम नेगेटिविटी से भरा हो तो कुछ नहीं मिलने वाला भैया। पहले तरीके के लोग हम करेंगे, दूसरे हम जानते हैं, और तीसरे अरे जाने दो रे, तुम घर नहीं जाने दो क्या, जोड़ के भी दोगे क्या, अरे कर लेंगे। भांति भांति के लोग हैं, लेकिन जिनका जर्रा जर्रा रोम रोम नेगेटिविटी से भरा है उनका कोई भगवान मालिक नहीं है। एक लड़का था जुम्मन, शादी हो गई लड़की से, लड़की देखती थी सारे सीरियल, जल्दी जल्दी बोल गया समझ में आया, और सीरियलों में वो जानती थी इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। तो जिस दिन जुम्मन से शादी करके घर आई और जुम्मन काम से लौटा तो लड़की ने देखा जुम्मन का चक्कर कहीं है, उसने शर्ट उतारा और पूरा चेक किया। क्या चेक किया होगा? बाल। आपको किसे पता? ये घटना तो दो ही लोगों को पता होती है, एक तो वो जिसने मेरी स्टोरी सुनी और दूसरा वो। मैंने कुछ नहीं बोला। पहले दिन जुम्मन की पत्नी ने बाल चेक किया, बाल नहीं मिला। पूरे साल रोज बाल नहीं मिला, 5 साल बाल नहीं, 10 साल बाल नहीं, 20 साल पूरे शिद्दत से चेक किया रे, शर्ट पे बाल नहीं मिला। तो फाइनल कंक्लूजन तक पहुंची, उसने बोला जुम्मन में समझ गई। क्या समझी? तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की के साथ है। अरे 20 साल बाद भी वही समझी जो उसका एटीट्यूड था। 20 साल पुरानी बातें हो गई है कि यहाँ करियर नहीं बनता, बाहर 1.5 करोड़ रुपए की जगवार खड़ी है, छू के देखना करियर बनता है कि नहीं बनता। जीवन बदलता है, जिंदगी बदलती है, बदलने वाला चाहिए, लेकिन बदलती किसकी है? जिसके पास उठने का कारण है उसी की बदलती है। महत्वाकांक्षी लोगों का बिजनेस है ये, बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है। 10x10 के कमरे में 10 लोग सो रहे हैं, 1 की लात चौथे के मुंह पे, 5वीं लात दसवें के मुंह पे पड़ रही है। लात लगना बुरी बात नहीं है, परिस्थितियां लगवा देती है, लेकिन उनसे कहें सुनो मेहनत कर लो, 5 साल खुद का बंगला होगा, और वो कहे नहीं जो मजा लात खाने में वो बंगले में नहीं, तो तेरे लिए ये बिजनेस भी नहीं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए भी नहीं है जो 15 साल से टेढ़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं स्कूटर। टेढ़ा करना बुरी बात नहीं है, परिस्थितियां करवा देती है, लेकिन उनको कहे सुन 3 साल मेहनत कर ले, 1 स्विच दबाएगा गाड़ी के 4 सीसे ऊपर आएंगे, जमीन से 6 फीट हाइट पर रहेगा, ट्रक की रोशनी भी तेरी आंखों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, और गाड़ी होगी तेरे पास, एसी में तू घूमेगा। नहीं, मुंबई में पार्किंग की जगह नहीं है, जो मजा फटपटी में है वो फॉर्च्यूनर में नहीं है तेरे लिए बिजनेस। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो अंधेरे में माचिस की तिल्ली जलाकर देखते हैं बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है। फिर किनके लिए है? अरे जिनके सीने में आग लग रही है, जिनके फायर है, जिनके सपने हैं, जिनको अपने बच्चों को देख के तड़प होती है, अरे रे मैं वो शिक्षा नहीं दे पाया रे, अरे जिनको अपने परिवार को देखने के बाद भीतर से नींद टूट जाती है, अरे ये कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, अरे मेरे माँ बाप की अपेक्षाएं मुझसे थी ये मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे मैं पत्नी से वादे करके लाया था 20 साल पहले चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, उसके चांद तारे भी सारा गिरवी रख दिए। ऐसी डिजायर जिसकी है, जिसके अंदर आग उबल रही है रे, वही डायमंड जाते हैं। उसने बोला यार ऐसा है, ये जिस जगह बैठा है ना वहां सोफे की एक कील निकल रही है। तो आपके मन में वही प्रश्न आया जो मैंने पूछा, अरे जब कील पर ही बैठा है तो चू चू क्यों कर रहा है, उठ क्यों नहीं जाता? उसका जवाब सुनने के बाद मेरा जीवन बदल गया। उसका जवाब पता है क्या था? इतनी भी नहीं गड रही है कि उठ जाए, और आप खुश हो रहे हैं कि ये स्टोरी उस कुत्ते की है। पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, माँ नहीं है, बापू नहीं है, तेरे पास कांदा है क्या? फिर तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर ये करता क्यों नहीं है?
मेरे पहले महीने की इनकम थी इस बिजनेस से 123,000 रुपए। तो गांव वालों ने पूछा ऐसे कैसे, तो मैंने कहा मेरे कील नहीं मेरे कीला गड़ रहा था, मेरे से बैठा नहीं रहा गया। अरे जिसके कीला गड़ता है सपनों पारे उसको करोड़पति प्रकृति बनाती है। कारण चाहिए कारण, वजह चाहिए वजह, काम वजह से होता है। मैं बोलूं आपको इस दीवार को तोड़ो सब्बल से थोड़ो से बुलडोजर से तरीके बोलूं तो भी नहीं तोड़ोगी, और मैं बोलूं 100 करोड़ रखे जो पहले तोड़ेगा उसको मिलेगा, पत्नी को लाकर भी फोड़ेंगे। काम वजह कराती है वजह। 104 डिग्री बुखार, दोस्त ने आके बोला चल तोड़ने चलते हैं, वो बोला हिल ही नहीं सकता। अरे नहीं तोड़ेंगे, हिल ही नहीं सकता। अरे तोड़ेंगे, मैं हिल भी नहीं सकता। अब उसने उसके पीछे बुलडॉग कुत्ता लगाया, जो हिल नहीं रहा था अब वो रुक नहीं रहा। क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया, 104 डिग्री पे कुत्ता भारी कैसे पड़ गया? उसको पता चल गया ये बुखार तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो 8 इंच का खड्डा करके जाएगा। अगर ये हो नहीं रहा तो समझ लो अभी आग नहीं लग रही है। आग चाहिए, आग आग वो काम करा देती है जो प्रकृति कभी जिंदगी में विज्ञान के नियम फेल हो जाते हैं। अरे सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया रे, तो लोगों ने बोला वेट लिफ्ट करो ने। उस माँ ने जिसका बच्चा 1.5 साल का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, जो 20 किलो नहीं उठा सकती थी ट्रक उठा दिया रे। ये वजन करवाती काम काम वजन करवाती। इंसान विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो मर जाता है, और एक गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। आज तक विज्ञान के पास आंसर नहीं है 12 डेसिबल दर्द में क्यों नहीं मरी। काम वजह करवाती है, काम वजह करवाती है। अगर आपकी जिंदगी मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, सब चल रहा है सेटअप, ये काम नहीं होगा। और वजह होगी तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर से काम होता है। और आपको लग रहा होगा ऐसा बोलना नहीं जानते, ऐसा चलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, ऐसे जैसे इसमें लोंगले पांगले पूंगले सब करोड़पति बन सकते हैं। अंदर की आग चाहिए, खाली आग वो सब हो जाएंगे। घोड़ों की रेस हुई, घोड़ों की, हर गांव से घोड़े बुलाए। एक गांव में घोड़ा नहीं था, तो सरपंच ने बोला अपने गांव की इज्जत का सवाल है, घोड़ा तो भेजो। घोड़ा था ही नहीं, पूरी मीटिंग करके पंचायत ने डिसीजन लिया घोड़ा नहीं तो कोई बात नहीं, गधे को लाओ जो घोड़े जैसा दिखता हो। और ये सुनते ही गधों में हड़कंप मच गया, मरवाएंगे मरवाएंगे। लेकिन एक ताजा सा घोड़ा उन्होंने गधा सेलेक्ट करके यू करके खड़ा किया, और अब सारे डायमंडों ने सारे आईटीसीओं ने बोला तू कर सकता है, तू कर सकता है। सरपंच बोला, वार्ड पंच बोला, पार्षद बोला, कलेक्टर भी बोल गया तू कर सकता है। इतना पंप भरेंगे तो कुछ तो आता ना। तो इतना पंप के बाद गधा बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा। जाके खड़ा हो गया, लेफ्ट में देखा बाप रे घोड़े, राइट में घोड़े। अब क्या रे भी क्या, गांव की इज्जत का सवाल है। लेकिन अब वो होना था जो प्रकृति से न्यारा था रे। सरपंच की प्लानिंग तगड़ी थी, विसिल बजने के 5 सेकंड पहले सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। सुनो अभी तो रिजल्ट तो सुनो। आप कह रहे हो रेस, अरे रेस 6 महीने तक रुका ही नहीं, सारी रेस जीत गया, राज्य की देश की सारी 6 महीने बाद जाके आग ठंडी हुई। आप भी ऐसे दौड़ोगे, सपनों की आग चाहिए सपनों, सपनों की आग चाहिए सपनों। है आपने आग कहीं गुजरना चाहते हो, बनना चाहते हो अमीर और कामयाब, थोड़ा खड़े हो ना, कील तो दिखे गंदी